गाइस वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रियांश और मेरे चैनल का नाम है रियांशी वर्ल्ड। तो आपने पिछले वाले वीडियो में देखा कि हम जलियांवाले बाग गए थे और जलियांवाले बाग के खत्म होने के बाद हम आ गए अपने घर और घर आके हमने थोड़ा सा आराम किया। और जैसे ही हम घर पहुंचे तो ना हमारे घर पे ना हमारा घर बहुत गंदा था, बिखरा हुआ। तो ना वो साफ करने आए थे कुछ लोग। तो ना हम ऊपर अपने कैफे में आ गए जिधर हमने थोड़ा चीज़ें ऑर्डर की। लस्सी वाले मैंने और मम्मी ने लस्सी ऑर्डर की, स्वीट लस्सी, और पापा ने ऑर्डर की चाय। और ना स्वीट लस्सी में पता नहीं बीच में पता नहीं कौन सी पत्ती डाल के दे रहे हैं। और फिर हम निकल पड़े पार्टीशन म्यूजियम घूमने। और फिर जैसे ही हम पार्टीशन म्यूजियम पहुंचे हमें झटका लग गया कि हमें पता चला कि मंडे को तो पार्टीशन म्यूजियम बंद होता। और ना मम्मी ने इधर यमी यमी स्नैक्स खाए। मैंने भी उनका खाया, मैंने भी खाया। और फिर हम पहुंच गए पार्टीशन म्यूजियम। देखिए पार्टीशन म्यूजियम कितनी लाइट है पार्टीशन म्यूजियम में। और जो स्टैचू देख रहे हैं ना, ये स्टैचू है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। उन्होंने शायद से हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन लिखी थी, नहीं हाँ लिखी थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी थी इंडिया की। यह पार्टीशन म्यूजियम, मतलब ये पार्टीशन म्यूजियम नहीं है, ये उधर का गैलरी टाइप का है कुछ, जो कि बहुत सुंदर है। इसके पीछे ना एक बहुत सुंदर फाउंटेन है। और गाइस इधर का ना जो व्यू है ना बड़ा, उसका बहुत मजा आता है। हमने इधर बहुत सारी फोटोज क्लिक करी क्योंकि रात में भी तो मजा करना था। और ना हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था इधर फिर से। बताओ क्यों? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आएंगे तभी तो पार्टीशन म्यूजियम घूम पाएंगे, हैं? बताओ ये सही बोला ना। और ना हम अपने होटल से के बगल से गए, बगल सीधा बगल से। और फिर हम पहुंच गए गोल्डन टेम्पल के पास। और ना इधर एक प्राचीन शनि जी का मंदिर है जो कि मैंने आपको बताया था, एक वीडियो में बताया था जिसमें हम गोल्डन टेम्पल गए थे, उसमें बताया था प्राचीन शनि भगवान का मंदिर। और ना ये है गोल्डन टेम्पल का रात का व्यू जो कि देखिए कितना सुंदर है ना, वाव। देखिए रात में भी इतनी भीड़ है जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी, मतलब पिछली उसमें भी इतनी भीड़ थी। और ना ये देखिए रात में कितना चमक रहा है, कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा नज़ारा है, मज़ा आ गया देख के। वाव कितना सुंदर है, ऐसा व्यू मैंने कभी नहीं देखा। इसके बाद हम यहाँ से निकल गए और अपने होटल में सो गए। तो गाइस हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, चलो निकलते हैं। गाइस मैंने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में पाव भाजी खाई और मेरी मम्मी ने, मतलब मेरे मम्मी पापा ने बन टिक्की खाई। पाव भाजी खाई थी ना, ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पर नाश्ता करने के बाद हम एक भैया के पास निकल पड़े। और ना वो एक दिन में बताओ कितना पैसा कमाते हैं, 10,000 पूरे एक साल में। बताओ कितना कमाते हैं, 36 लाख। वाव आप, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। और गाइस ये है एक बहुत सुंदर स्टैचू, बहुत सुंदर। इधर ना इधर की रोड और स्टैचू बहुत सुंदर है। हम और फिर सीधा निकल पड़े पार्टीशन म्यूजियम, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना पिछली रात कि हम फिर से जाएंगे पार्टीशन म्यूजियम। तो हम अर्ली मॉर्निंग निकल पड़े पार्टीशन म्यूजियम। ये है पार्टीशन म्यूजियम, अभी वो रेडी हो रहा था, मतलब कपड़े धोने पड़ने था, मतलब साफ सफाई हो रही थी उसकी। और ना इधर शायद से इधर के टिकट
10 रुपीस। हाँ, इधर के वो टिकट्स 10 रुपीस की है। आपको आना तो आ सकते हो, बहुत ही सुंदर जगह है ना। अंदर ना फोटोज और वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है, तो हमने फोटो वीडियो बनाए नहीं, सीधा बिना फोटो वीडियो बनाए लौटा है। और ना ये जगह बहुत सुंदर थी। पार्टीशन म्यूजियम में पता क्या बताया गया? पार्टीशन म्यूजियम में यह बताया है इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन कैसे हुआ था। और ये है उधर की एंट्री। इधर सब कुछ लिखा है कि कैसे बना था, मतलब क्यों बना था। उधर और ना यही रास्ता है, ये आपको मैंने आपको दिखाया था ना रात में कि ये देखो ये बहुत ही सुंदर गैलरी है। और ना इधर से ही रास्ता जाता है सुंदर फाउंटेन का। इधर ना बगल में एक सुंदर सी गाड़ी भी है, ये है वो फाउंटेन। ये देखिए उधर है फाउंटेन, ये एक स्टैचू है और सामने है फाउंटेन। ये देखिए ये कैसी सी गाड़ी है, मुझे पुरानी लग रही, पुरानी गाड़ी, पुराने समय की गाड़ी। और पापा ने बुला लिया, कहा टिकट मिल चुकी है फटाफट से चलो अंदर, तो हम चल पड़े। और ना हमने वीडियोस नहीं बनाई, हम सीधा आ गए। ये है उधर से निकल रास्ता, हम निकल पड़े। और गाइस इसके बाद हम लोग अपने रूम पे चले गए। और गाइस जो ये व्यू है ना, ये व्यू हमारी होटल की विंडो से है। तो गाइस हम लोग कहीं फिर से कहीं अलग ही जगह जा रहे थे, और ना मेरा पेट खराब हो गया था तो हम अभी चेकआउट कर रहे हैं। बाय बाय अमृतसर, मिलते हैं फिर से। और अभी हम लिफ्ट पे है, चेकआउट कर लिया और हम निकल पड़े। आपको पता है जो ये अमृतसर या पंजाब है ना, इधर ऐसे है बार बार, पता नहीं इतनी सुंदर सुंदर बार बार क्यों आ रही है चिड़िया, ऐसे बार बार गोल गोल घूम रही है। काश ना एक सफेद चिड़ियों का ऐसे गोल गोल झुंड घूमे जिसपे ब्लैक चिड़िया भी हो, एकदम चेस वाला लगेगा। और ना अभी हम निकल पड़े, बाय अमृतसर, फिर से मिलेंगे कभी। और ना आपको एक चीज बता, हम ना उधर एक कोई ढाबा है ब्रदर्स ढाबा करके, हम ना उधर रुके, हमने उधर थोड़ा सा खाना खाया जो कि बहुत यम्मी था। आपको तो पता ही होगा कि ढाबे का खाना कितना यम्मी होता है ना, सबको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ढाबे का खाना। और ना पापा ने चाय पी और हम निकल पड़े। और ना ये ना एक वो क्या कहते हैं, बहुत सुंदर सी जगह है जिधर हमने मम्मी और मैंने शॉपिंग की, नहीं शूज़ खरीदे। और ना हमने शूज़ खरीदे इसके अंदर से, हम पूना में भी गए थे उधर से कुछ नहीं खरीदा। स्केचर से अब मैंने और मम्मी ने जूते खरीदे और हम निकल लिए। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।